नमस्कार, आप देख रहे हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। आपको बता दें, सोमवार यानी कि 14 फरवरी को सूबे में मतदान होना है और अब प्रचार का शोर पूरी तरीके से थम चुका है। पोलिंग बूथ सज चुके हैं और सुरक्षा भी चाक चौबंद है। इस बीच उत्तराखंडियत के मुद्दे से शुरू हुआ चुनावी जोर मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम पर धार्मिक तुष्टिकरण से होता हुआ कॉमन सिविल कोड के साथ थमा है। तो आज चर्चा इसी विषय पर कि सच तो गए हैं रण, पर कितने तैयार हैं दल। चुनाव के समय आपने हॉट सीट जैसा शब्द सुना होगा, सुन रहे भी होंगे, लेकिन सवाल ये कि विधानसभा सीट हॉट हो या फिर नॉर्मल, पर उस सीट पर हॉट मुद्दा क्या है? मुद्दा जिससे देवभूमि की तमाम आवाम प्रभावित होती है। क्या वो मुद्दा उत्तराखंडियत है या पहाड़ों से होता पलायन, धार्मिक तुष्टिकरण है या फिर कॉमन सिविल कोड? क्योंकि वादे दावे और आरोप प्रत्यारोप की फेहरिस्त बेहद लंबी है। इसमें से जनता को क्या भाएगा और क्यों, इस विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। भाजपा से नवीन ठाकुर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आप, बीजेपी के बहुत स्वागत है नवीन जी, जुड़ते रहते हैं हमारे साथ में। कांग्रेस से प्रतिमा सिंह हमारे साथ में जुड़ी हुई है। प्रतिमा जो है वो प्रखर प्रवक्ता है और उत्तराखंडियत आज झलक रही है कांग्रेस से प्रतिमा जी को देख करके। आम आदमी पार्टी से दीपक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, दीपक पांडे प्रवक्ता है आप, आम आदमी पार्टी के बहुत स्वागत है दीपक जी आपका। शुरुआत बीजेपी से ही करेंगे, नवीन जी जुड़े हुए हैं। नवीन जी, एजेंडा क्या होगा, क्योंकि एक तरफ धार्मिक तुष्टिकरण की तरफ मोड़ा जाता है चीजों को, फिर उसके बाद चुनाव खत्म होते होते कॉमन सिविल कोड पर बात आ जाती है। देखिए पूजा जी, मुद्दा सिर्फ विकास, विकास और विकास। दूसरी बात आपने कही धार्मिक तुष्टिकरण की, तो धार्मिक तुष्टिकरण की बात कौन कर रहा है? आप इतिहास उठा के देख लीजिए, शुरुआत कौन करता है? 1947 में इस देश को कांग्रेस ने धर्म के आधार पर बांटा। कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का है। और अब इनके प्रदेश के उपाध्यक्ष, कोई छुटभैया नेता नहीं, गली कूचे का कोई इनका जो पदाधिकारी हो, के प्रदेश के उपाध्यक्ष कहते हैं कि हम 55,000 मुस्लिम हैं तो सहसपुर में मुस्लिम यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। और मैं इसलिए बैठ रहा हूं क्योंकि सहसपुर में ये अपने अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ खड़े हुए थे, मैं इसलिए बैठने पर राजी हुआ हूं कि मेरे इन सब मुद्दों पर हमारे प्रभारी और हमारे माननीय हरीश रावत जी, जो इनके मुख्यमंत्री के चेहरा हैं, उन्होंने सहमति दी है कि हाँ आप बैठ जाइए, अगर कांग्रेस की सरकार आई तो हम सहसपुर में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। तो शुरुआत तो ये करते हैं, हवा ये देते हैं, उसके बाद आरोप भाजपा पे लगाते हैं। हिट एंड रन का काम जो है कांग्रेस करती है और जनता सब चीज देख रही है, जनता सब जानती है। हमने कभी नहीं कहा कि हिंदू यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए, हमने कभी नहीं कहा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमने जब इस देश में 8 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन बांटे तो हमने नहीं पूछा कि आप मुस्लिम है आप हिंदू है। हमने जब इस देश में 12 करोड़ जो है इज्जत घर शौचालय बनाए, हमने नहीं पूछा कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। हमने जब इस देश में 40 करोड़ जनधन खाते खोले, 40 करोड़ आप देख लीजिए कितनी बड़ी आबादी को जो है बैंकिंग सेवा से जो है कांग्रेस ने दूर रखा। ठीक है नवीन जी, मैं वापस आपके पास आती हूँ, ओपनिंग रिमार्क है आपका, प्रतिमा जी के पास जाऊंगी। कांग्रेस का क्या रुख है, क्योंकि धार्मिक तुष्टिकरण की शुरुआत का जो आरोप है वो बीजेपी ने सीधे तौर पर कांग्रेस पर लगा दिया है। प्रतिमा जी, देखिए मुझे लगता है हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है वो आज बहुत अच्छी शायद कोई एक भाषण तैयार करके आए थे, बट दुर्भाग्यवश कल जो है चुनाव प्रचार बंद हो गया है तो वो कहीं दे नहीं पाए, तो उन्हें लगा चलो टीवी चैनल पे ही दे देते हैं। पूजा जी, अब ये जिस विकास की बात कर रहे हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा, 7 सालों में वो विकास शायद इतनी तेजी से सरपट जो है दौड़ने का कार्य कर रहा था कि वो इतनी तेज दौड़ा कि किसी को नजर ही नहीं आए, तो वो भाग गया है कहीं, वो नजर नहीं आ रहा। अब दूसरी बात, इन्होंने कही कि तुष्टिकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है और 1947 का इन्होंने जिक्र करके बड़ा अच्छा काम कर दिया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि 1947 में अगर कांग्रेस ना होती और रंगा बिल्ला के हाथों में ये देश होता तो ये देश कभी आजाद ना होता, क्योंकि उनके लिए सिर्फ अपना जो हित है वो सर्वोपरि रहता है, उन्हें जनता और देश से कोई मतलब नहीं है। तुष्टिकरण की राजनीति आप छोड़िए, आप यूनिवर्सिटी खोलने की ही बात कब करते हैं,
आप तो चाहते ही नहीं है कि यूनिवर्सिटी खुले, बच्चे पढ़े, चाहे वो हिंदू यूनिवर्सिटी हो चाहे वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, आप तो यूनिवर्सिटी ही नहीं चाहते है खुले, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी खुल जाएगी तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी पे आपकी झूठी कहानी है और तोड़ मरोड़ के जो पेश किया हुआ इतिहास है उसे कौन पढ़ेगा। आप विकास की बात करते हैं, आप तोड़ मरोड़ के राजनीति करने की बात करते हैं, तुष्टिकरण की बात आप करते हैं। आप आकर के कहते हैं, आप यूपी में जाते हैं कहते हैं 20% और 80% पे वोट पड़ने वाले हैं। आपने कब विकास की बात करी? कब पुष्कर सिंह धामी जी ने या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने, नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, नड्डा जी हो, जो केंद्र से आए हैं और प्रदेश के नेताओं ने मंच पे जाके ये बोला है कि ये हमारे 5 सालों का रिपोर्ट कार्ड है और आप इसके हिसाब से वोट दीजिएगा? नहीं बोला। आप जितनी भी स्पीच उठा के देख लीजिए, सिर्फ कांग्रेस कांग्रेस और कांग्रेस की बात इन्होंने की है। ये दर्शाता है कि आप भूल गए हैं कि 5 सालों से आप प्रदेश की सत्ता में बैठे हुए थे। नहीं, मेरे ख्याल में प्रतिमा जी एक बार और स्पीच सुनने की जरूरत है, क्योंकि केदारनाथ में निर्माण कार्य और ऑल वेदर रोड्स और तमाम चीजों का जिक्र वो करते रहते हैं। मैं आपके पास वापस से आऊंगी। आम आदमी पार्टी का रुख करते हैं, दीपक जी हमारे, मैं वापस आ रही हूँ प्रतिमा जी आपके पास, दीपक जी जुड़े हुए हमारे साथ में, ओपनिंग रिमार्क पहले ले लेते हैं। दीपक जी, मनीष सिसोदिया पिछले दिनों आए चुनाव प्रचार करने, कल तक थे वो उत्तराखंड के अंदर, और साफ तौर पर कह करके गए हैं कि उत्तराखंड में अंडर करंट है। उनको कहां से महसूस हो गया अंडर करंट? नहीं, बिल्कुल वो क्षेत्र में सब जगह जा रहे हैं, जनता से हमारे यहाँ के रिपोर्ट्स मिल रहे हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो सारे अपडेट्स दे रहे हैं कि यहाँ पे जो हम घर घर जाके हमने बिजली कैंपेन कर रहे हैं, हमने रोजगार गारंटी कैंपेन हम लोगों ने करे, इस तरह के हम लोगों ने कई कैंपेन यहाँ पे कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा योजनाएं हमने कैंपेन कर रहे हैं, तो वो देख रहे हैं जिस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है हमारे पास, लोग हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, नई पार्टी होने के नाते आम आदमी पार्टी से लोग उत्तराखंड बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं कहीं ना कहीं, तो उनको लग रहा है कि इस बार उत्तराखंड के लोग चाह रहे हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में आए। लेकिन बात जैसा आपने कहा कि 70 साल में कुछ नहीं हो, 70 साल में भी अपने हिसाब से कुछ ना कुछ हुआ है और 7-8 सालों में भी कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन अब वक्त फिर बदल रहा है, कहीं ना कहीं लोग पूरे अपने एजुकेशन के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं, अपने स्वास्थ्य के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं। केजरीवाल जी ने एक नई तरह की राजनीति, वैसे तो केजरीवाल जी और हम लोग को राजनीति करनी नहीं आती है क्योंकि हम सब लोग नौसिखिए लोग हैं, इनके इनके बराबर तेज तर्रार नहीं है हम लोग, लेकिन हम लोग केवल काम के ऊपर प्राथमिकता देते हैं, जो हम एजुकेशन के ऊपर बात करते हैं, स्वास्थ्य के ऊपर बात कर रहे हैं। क्या लगता है, अंडरकरंट का जिक्र बार बार आम आदमी पार्टी कर रही है, क्या लगता है दीपक जी कि इस बार आम आदमी पार्टी की लगभग कितनी सीटें आ जाएंगी, क्योंकि जब चुनाव खत्म होंगे 10 मार्च को मैं दोबारा आपके साथ बैठूंगी यहाँ पर, बिल्कुल कितनी सीटें लगभग आम आदमी पार्टी ला रही है? हम सीटों पे हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी हम लोगों ने नया पहला फेस हम लोग यहाँ पे फेस कर रहे हैं, पब्लिक का जो पब्लिकली जो हम फेस कर रहे हैं, और इस बार जनता हमें बताएगी, हमने जो काम दिल्ली, क्योंकि अभी हमारे पास दिल्ली का ही काम हमारे पास बताने को कि जो हमने दिल्ली में काम करा है, लोग उसके व्याप पे हमसे लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन आज बीजेपी और कांग्रेस ये नहीं कह सकती है कि हमने ये काम करा इस व्याप पे हमें वोट दीजिए, हम कहते हैं हमने दिल्ली में ही काम करा आप हमें तब वोट दीजिए, अगर हम ईमानदार हैं, अगर हम काम कर सकते हैं आपको लग रहा है तो आप हमें वोट दीजिएगा, अन्यथा अपना वोट खराब मत कीजिए, ये बात हम भी कह रहे हैं क्योंकि हम जनता का भला चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भले आम आदमी पार्टी आए ना, बीजेपी कांग्रेस इस काम को कर ले कि वो, हम कह रहे हैं राजनीति ना बदले, वो जो बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य को ये बिल्कुल प्रॉपर कर दें, जो जो एजेंडे मुद्दे हमारे हैं ये संभाले अपने आप को, क्योंकि हम लोग सत्ता परिवर्तन की नहीं व्यवस्था परिवर्तन की बात करने आए हैं, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए, सत्ताएं तो परिवर्तन होंगी होंगी। व्यवस्था परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन का आपने जिक्र किया है, वापस से प्रतिमा जी का रुख करती हूं मैं। प्रतिमा जी, लाल कुआं से उम्मीदवार हैं हरीश रावत जी, और लाल कुआं पर सभी का फोकस है, न जाने क्यों फोकस है, लेकिन फोकस होना लाजमी भी है। जब हरीश रावत जैसे वरिष्ठ और कद्दावर नेता को अपने 55 साल के कार्यकाल की दुहाई देना पड़े आखिरी दिन, क्या वजह हो सकती है कि जब आप वोट देने के लिए बूथ की तरफ कदम बढ़ाइए तो मेरे 55 साल के मेहनत और मेरे राजनीतिक परिश्रम को याद रखिए, ये वक्तव्य क्यों देना पड़ गया उनको? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है हरीश रावत जी, देखिए पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और मुझे बहुत पुराने नेता हैं, और बिल्कुल जब कोई व्यक्ति जनता के सामने मुखातिब होता है, जनता से मुखातिब होता है, तो कई बार ऐसे क्षण आते हैं कि वो जो है इमोशनल हो जाता है, और जब व्यक्ति इमोशनल होता है तो इस तरीके की बातें करता है कि देखिए मैं आपकी सेवा में पिछले 55 सालों से लगा हुआ हूँ, तो जब आप पोलिंग बूथ पे जाइएगा तो ये जरूर याद रखिएगा कि कोई जो कल अंदर खाने आपके ही तमाम लोग, प्रतिमा जी आपके ही तमाम लोग इस तरीके की भी बातें करते हैं कि हरीश रावत जी की ये आखिरी इनिंग चल रही है, इस वजह से वो भावुक अपील पे आमादा है। देखिए, ये तो हरीश रावत जी ने खुद कहा है कि जो है ये चुनाव जो लड़ रहे हैं वो उनका आखिरी चुनाव है, और ये उन्होंने खुद स्वीकारा है, तो इसे मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरीके की किसने क्या कहा किसने क्या नहीं कहा इस पे हम जाएंगे।
और बस ये इतनी सी बात है कि एक इमोशनल अपील उन्होंने जनता से की है, जो मुझे लगता है करनी चाहिए। कम से कम उन्होंने हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान और झूठे जुमलों की अपील नहीं की, ये बड़ी बात है। दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि नवीन ठाकुर जी को पहले अपना घर की बात करनी चाहिए। अभी उन्होंने कहा, एक बात इन्होंने कही कि जो इनके सीएम के चेहरे हैं उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये किया, तो पहले आप ये समझिए कि आपका सीएम का चेहरा कौन है, जनता को उसके सामने लेके आइए। हमारा सीएम का चेहरा कौन होगा ये डिसाइड करने वाले आप नहीं होते। अब मैं देखिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का जवाब तो कभी देती नहीं हूँ, क्योंकि इनके पास मेरे सवालों के कभी जवाब नहीं है। दिल्ली की आप बात करते हैं, आप किस दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं? आप उस मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं जो मोहल्ला क्लिनिक अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना के रख दिया था। पूरे कोरोना काल में जिस मोहल्ला क्लिनिक में करोड़ों रुपया जिस मोहल्ला क्लिनिक में खर्च हुआ, उस मोहल्ला क्लिनिक में आप एक आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं करा पा रहे थे, और आप कहते हैं स्वास्थ्य सेवाओं की। आपने दिल्ली में 8 साल हो गए एक अस्पताल खोलने का कार्य नहीं किया, एक यूनिवर्सिटी छोड़िए एक स्कूल बनाने का कार्य नहीं किया, एक फ्लाईओवर बनाने का कार्य नहीं किया, सड़कें बनाने का कार्य नहीं किया। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि अभी मॉनसून में दिल्ली के सड़कों की क्या स्थिति थी, वहां पे ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी समुद्र में आप खड़े हुए हैं। तो ये बात ना करिए, आप जनता सब समझती है और देवभूमि की जनता बड़ी समझदार है। 11 सीटें मिली है, आप समझ चुकी है कि 2017 के डबल तिवारी ने काम करा था, काम करा था, तो 11 सीटें मिली है आपको। कष्ट भोगने का कार्य किया है मैडम, हमने 5 साल काम करने के बाद बातें की जाएंगी हमारी, और आपको जीरो में रखा है दिल्ली में। जवाब नहीं होता, जवाब आपके पास नहीं है, बात घुमाने की आदत है आप लोगों को। अरे बात सुनने की हिम्मत सुन रहा हूँ, बात सुनाने की भी हिम्मत है मेरे पास, सब आपको बात सुना रहा हूँ, ठीक है? दूसरों के बीच में मत टोकिए इस तरीके से। दूसरों के बीच में क्या, आपकी बात का क्वांटम नहीं करूंगा? आप 11 सीटों पे हैं, दिल्ली में 0 पे हैं, क्यों नहीं बताऊंगा मैं लोगों को? जनता से वादा किया है कि इस महंगाई की मार में 500 रुपए से ऊपर का सिलेंडर हम नहीं देंगे, और ये वादा हम पूरा करेंगे, भले इसके लिए हमें सरकारी जो खर्चे हैं उसमें कटौती करने का कार्य करना पड़े। आज वो गरीब व्यक्ति जो कोरोना काल में जिस तरीके से इस प्रदेश में लोगों ने दुख झेले हैं, उसके जिसकी रीढ़ की हड्डी टूटी है उनकी आजीविका की, उन 5 लाख परिवारों को हम 40,000 रुपए देंगे, और अगर किसी सरकार की नियत हो तो वो ये कर सकती है, इसमें कोई गुरेज नहीं है। आप अपने घर ना बदलिए, आप अपने ऑफिस को रिनोवेट ना करिए, तो मुझे लगता है आम जनमानस के लिए आप ये छोटे कार्य कर सकते हैं। और हमने ये कहा है कि हम आप बिल्कुल दूरस्थ एरिया तक जो हमारे पहाड़ है वहां पर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराएंगे। हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो एक डेमो ड्रोन के माध्यम से लेकिन प्रतिमा जी बार बार सवाल इस बात को लेकर के उठते हैं कि उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस के शासन काल को देखा है, वो चेंजेस क्यों नहीं आए? सवाल बार बार उठते हैं, और बात बीजेपी की भी कर लेते हैं। नवीन जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। नवीन जी, आम आदमी पार्टी हमेशा से ही बीजेपी पर आरोप लगाती है। पिछले दिनों मनीष सिसोदिया आए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 9,245 घोषणाएं हुई हैं, जिसमें से मात्र 18 पूरी हुई। इनको क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व तो है नहीं, संगठन इनका जो अच्छे निबिन कार्यकारी अध्यक्ष ये बनाते हैं, वो इस्तीफा देके चले जाते हैं, तो ज्यादा तवज्जो हम इनके बात पर देते नहीं। और मनीष सिसोदिया जो हमारी आराध्य देवी नंदा देवी की तुलना दिल्ली के कूड़े के ढेर से करते हैं, तो उनके बयान का तो मैं जवाब भी देना उचित नहीं समझा, और उत्तराखंड की जनता उनके बयान को समझती भी नहीं है, कोई तवज्जो नहीं दे। निश्चित तौर पर अभी वो संघर्ष में है, लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है, वो आए मेहनत करें, लेकिन, काम लेकिन, करें। लेकिन मेरा सवाल ये है नवीन जी, मेरा सवाल ये है कि उत्तराखंड की जनता, आपको क्या नहीं, ये नहीं लगता है कि 21 सालों में इतनी त्रस्त हो चुकी है कि उसे अब नंदा देवी का किससे क्या कंपैरिजन हो रहा है वो भूल करके अब उसे विकास चाहिए, कि पलायन का जवाब कौन देगा, रोजगार का जवाब कौन देगा? कल खटीमा में प्रियंका गांधी पहुंची हुई थी, वो साफ तौर पर कह रही है कि सीएम की कॉन्स्टिट्युएंसी होने के बावजूद सड़कों का हाल बदहाल है। नहीं, प्रियंका जी अपने भाई राहुल गांधी की लोकसभा में एक बार चले जाती, वहां के विषय में नहीं वो बोलती, जो राहुल गांधी जी को छोड़ के भागना पड़ा, रणछोड़ दास बने, वहां से भाग के वायनाड लड़े जाके, क्योंकि यहाँ तो हार गए थे, इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हार रहा हो उसको जो है यहाँ उनकी बहन यहाँ के जिक्र कर रही है,
उनकी बहन तो हिजाब का भी समर्थन कर रही है, जो 18वीं शताब्दी की कन्या कुसरी जो है रिवाज है उसका भी समर्थन कर रही है। तो देखिए मुझे लगता है कि नवीन जी से जो सवाल पूछा गया है वो उसे डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक RTI का जो रिप्लाई है उसका हवाला देने का जवाब दूंगा। मैंने खुद ही RTI कांग्रेस की प्रवक्ता सुन ले, दो मिनट को मैं एक बात का जवाब दूंगा। लेकिन जब दो लोग बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा। अभी ये अपनी बात रख ले, फिर मैं एक बात का जवाब दूंगा। इतने कार्य हुए थे, इसका ब्योरा मांगा था और आपको सुन के हैरानी होगी कि उस RTI का रिप्लाई देने से मुझे इन्फॉर्मेशन जो जिनका विभाग है उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा आइए सूचना ले जाइए। जब मैं सूचना लेने गई तो वहाँ से सचिव उठ के चले गए थे। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी के आपके नरेंद्र मोदी जी के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आ रहे हैं क्या? गुजरात के सरकार ये उत्तराखंड के मुद्दों के साथ है और राज्यों के मुद्दों के साथ है। ये लोग यूपी और राजस्थान के साथ है। उत्तराखंड संभाला नहीं जा रहा है, यूपी और राजस्थान की बात कर रहे हैं लोग। ना ले क्योंकि आप उनकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी हम बराबरी कर भी नहीं रहे, उनकी बराबरी कैसे कर सकते हैं भैया? वो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, वो गांधी खानदान के लोग हैं, आप ही कर सकते हैं। आजीवन अध्यक्ष आपने उनको बना रखा है, आप ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है, हमारे यहाँ तो छोटे से कार्यकर्ता है। इन दोनों की इसी लड़ाई से आज उत्तराखंड बदहाल है। ढोने का काम बीजेपी कांग्रेस की इसी तरह की टूटू मेहनत है, आज पूरा उत्तराखंड बदहाल है। इन्होंने इसी तरह मजे ले रहे हैं पूरे उत्तराखंड से और पैनल पर लड़ते रहते हैं दोनों जने। बीजेपी के नेता कांग्रेस में और कांग्रेस के नेता बीजेपी में, अपने बारे में कुछ ही बताएंगे। जब इनको सरकारें बनानी होती है एक दूसरे के विधायक खरीदते रहते हैं। ठीक है नवीन जी प्रतिमा जी दीपक जी, सीधा सवाल है नवीन जी, पलायन को रोकने के लिए पिछले 5 सालों में आपकी सरकार ने क्या किया है? देखिए पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया पलायन को लेके। आपकी सरकार ने क्या किया है? आपकी सरकार ने क्या किया? सवाल मेरा ये प्रतिमा जी मैं आपके पास आऊंगी। नवीन जी को जवाब देने दीजिए। बहुत कुंठित है, जब इनके बीच में कोई बोलता है तो बहुत चिल्लो चिल्ला। ठीक है नवीन जी जवाब दें, समय बहुत कम बचा हुआ है, 5 मिनट के करीब का समय बचा हुआ है, जवाब दें। जी हमने पलायन आयोग का गठन किया। पलायन आयोग ने इस विषय पे बहुत गंभीरता से काम किया, उन बिंदुओं को रखा जिसकी वजह से पलायन हो रहा है, हम उन बिंदुओं पे काम कर रहे हैं। आप देखिए कोरोना काल के दौरान पूजा जी 7 लाख प्रवासी उत्तराखंड में आए और उसमें से 5.5 लाख लोग वापस गए, 1.5 लाख लोग जो उत्तराखंड में रुके, तो रिवर्स पलायन हुआ। उन 2 लाख लोगों के लिए हमने जो है रोजगार। दीपक जी मैं आपके पास आऊंगी, आपके लिए भी मसला है मेरे पास, रुकिए। 5 साल कांग्रेस के शासन काल में होम स्टे योजना के अंतर्गत केवल 115 लोगों ने पंजीकरण कराया क्योंकि उन्होंने सुविधा ही नहीं दी। हमने होम स्टे को जो है उच्चकृत किया, उस पर ध्यान दिया, लोन की व्यवस्था की। आज 4500 रोजगार जो है होम स्टे के, वैसे 4500 लोगों ने पंजीकरण कराया और 4500 अगर होम स्टे में पंजीकरण हुए हैं पूजा जी, तो उस 4500 को 5 से गुना कर दीजिए क्योंकि एक होम स्टे में एक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता। काम करने के बाद नवीन जी क्या ये जो तमाम आंकड़े आप बता रहे हैं सिर्फ ये कागजों पर है या धरातल पर है? जनता इससे संतुष्ट होगी क्या? अगर ये धरातल पर नहीं होते तो देखिए लोकतंतर में जनता सर्वोपरि होती है, कि लोगों की तरह नहीं। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को क्या दिया? अंडा। और ये ठीक है, ठीक है नवीन जी आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। प्रतिमा जी आपका काउंटर है, प्रतिमा जी आपका काउंटर भी है और आपसे मेरा सवाल भी है कि उत्तराखंड की जनता लगातार जो हमें चिताती आ रही है, 3 उपचुनाव में कांग्रेस को क्या मिला? कुछ नहीं। मोदी जी के नाम पे वोट नहीं मांग रहे, डबल इंजन की सरकार नहीं कर रहे हैं, तो हिम्मत नहीं प्रत्याशी, डबल इंजन की सरकार नहीं कर रहे हैं। नवीन जी देखिए आपको पर्याप्त समय दिया गया कि पलायन के मसले में आपने क्या काम किया है। अभी प्रतिमा जी को समय दीजिए, प्रतिमा जी आपका काउंटर है और एक सवाल भी है मेरा आपके लिए। तो प्रतिमा जी ऑफलाइन हो चुके हैं, एक बार नहीं जी बताइए, मैं ऑनलाइन हूँ जी, बताइए जी। प्रतिमा जी आपका काउंटर है और इसके बाद में एक सवाल भी पूछूंगी आपसे। देखिए मुझे ये लगता है कि जिस पलायन आयोग की ये बात कर रहे हैं, बड़ी मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पे कि ये यही पता नहीं है कि जिस पलायन आयोग की ये बात कर रहे हैं उस पलायन आयोग का अध्यक्ष भी पलायन कर चुका है। ये है इनका पलायन आयोग। और दूसरी बात, जितने लोग रिवर्स पलायन करके वापस आए थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा था
कि हमारे जो प्रवासी मजदूर आए हैं उन्हें वापस नहीं जाने देंगे, और विपक्ष ने ये कहा था आपको हमारी जो मदद चाहिए आप हमसे मांगिए, लेकिन ये मजदूर दोबारा पलायन ना करें, लेकिन सरकार उसे रोकने में विफल साबित हो गई। ठीक है, और आज बस ठीक है प्रतिमा जी, अब मेरा सवाल है आपसे, कांग्रेस से मेरा सवाल है प्रतिमा जी, कल टीएस सिंहदेव और प्रियंका गांधी देवभूमि में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का काम प्रियंका गांधी ने किया है, कांग्रेस ने किया है, लेकिन उसके बावजूद उत्तराखंड के अंदर जो लिस्ट जारी हुई है जिन प्रतिनिधियों ने नॉमिनेशन किया उसमें 7% महिलाएं क्यों हैं? अगर आप 40% की बात करते हैं, मुझे लगता है आपने सही जब बहुत सही सवाल किया। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है और सशक्तिकरण का काम किया है। आप सिर्फ महिलाओं की कितने टिकट दिए हैं इस दायरे में महिलाओं का सम्मान नहीं छोड़ सकते। अरे आप क्या बात करेंगे, हमारी तो राष्ट्रीय अध्यक्षा जो है खुद महिला है। और दूसरी बात, देखिए प्रतिमा जी काउंटर का समय नहीं है, काउंटर का समय नहीं है, सवाल का सीधा जवाब दीजिए, जनता ये सवाल का जवाब जानना चाहती है बस। ठीक है दीपक जी, आखिरी सवाल आपसे है मेरा, उत्तराखंड की जनता उत्तराखंडियत के मुद्दे को ना चुनकर दिल्ली की सरकार को मौका क्यों दे उत्तराखंड के अंदर, जबकि उत्तराखंड के मैदान के और पहाड़ के मुद्दे अलग हैं? तो मैम देखिए, इंसान हर जगह वही है, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे उत्तराखंड में हो, उत्तराखंड के लोगों को भी कहीं ना कहीं अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत है, कहीं ना कहीं अच्छे एजुकेशन की जरूरत है, वो भी चाहते हैं हमारे बच्चे डेवलप करें और अपने देश विदेशों में अपना एक इतिहास बनाए, हमारे परिवार का नाम रोशन करें, और हम भी और जो भी समस्याएं हैं वो चाहे दिल्ली हो चाहे उत्तराखंड हो, समस्याएं लगभग एक है, बस भौगोलिक स्थिति के अनुसार कुछ एक समस्याएं अलग हो सकती हैं, लेकिन जो हमारे मुद्दे हैं भौगोलिक स्थिति हालात बदल देती है, सीटों का समीकरण बदल देती है, इस बात को समझिए। दिल्ली की जनता और उत्तराखंड की जनता में बहुत अंतर है। दिल्ली के एक ऑटो वाले से आप पूछेंगे तो भी वो सुविधाएं गिना देगा, उसको ये तक पता है कि केंद्र सरकार ने क्या योजना लागू की और राज्य सरकार ने क्या योजना लागू की, लेकिन अन्य राज्यों में इसका डिफरेंस नहीं पता है लोगों को। एक मिनट, मेरी बात, मेरी इसी बात को मैंने आपको ऊपर रखा, शिक्षा स्वास्थ्य और बिजली पानी जो बेसिक नीड सभी पूरे राज्य के 28 ठीक है। आप तीनों लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा को बेहद खास बनाने के लिए। तो ये तमाम मुद्दे थे, कुछ सवाल जनता टीवी ने भी सामने रखे हैं और उन सवालों के जवाब लेने की कोशिश करी है जो उत्तराखंड की आत्मा को छूते हैं, फिर चाहे वो पलायन हो, महिला सशक्तिकरण हो या फिर उत्तराखंडियत, क्योंकि किसी भी राज्य में उसकी आत्मा तो जीवित रहनी चाहिए ना, बिना आत्मा के शरीर का क्या काम है। तो वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है, बने रहिए जनता टीवी के साथ। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए, आप तय कीजिए कि आपको कौन सा दल कौन सा प्रत्याशी चाहिए, क्योंकि आपके क्षेत्र के मुद्दे उनसे आपको ही तो निपटना है ना।